जी ग्रीन प्याज फ्रेश वाले हम लोगों ने तोड़े यहाँ से, और ये जी पालक तोड़ी है। YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, खैरियत से हूँ। तो जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज थर्ड डे है मुझे अपनी खाला के यहाँ। इससे पहले मैंने आपके साथ दो व्लॉग शेयर कर दिए हैं, एक तो जिस दिन खाला के यहाँ आई थी उस दिन का, और दूसरा हम लोग नेक्स्ट डे गए थे राना रिजॉर्ट पार्क में घूमने के लिए, तो मैंने उसका भी विजिट आपके साथ शेयर किया है। अगर जिसने नहीं देखा, जो आज मेरे चैनल पे नए हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरा वो वीडियो जाके वहाँ से देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल देती हूँ, तो आप जाके देख लें। तो जी बस आज जो है थर्ड डे है, आज थर्ड डे हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और आज हम लोगों ने सोचा था कि क्यों हम तंदूर पे रोटियां लगाएंगे, तंदूर की रोटियां खाएंगे, लेकिन तंदूर पे जो रोटियां लगने वाली हैं ना, वो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की हैं, थोड़ी अलग सी रेसिपी है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई की है। मेरी भाभी ने ही मुझे आइडिया दिया था कि हम इस तरह की रोटियां लगाते हैं, क्योंकि वो पहले लगा चुकी हैं और ट्राई भी कर चुकी हैं, तो उनके कहने पर ही हम लोगों ने ये ज़रा, उन्होंने कहा कि हम आपका टेस्ट चेंज करते हैं और आपको कुछ अलग तरह का जो है ना नाश्ता करवाते हैं आज। तो हम लोग बस उन्हीं के उन्हीं सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं जी तंदूरी पे। तंदूरी क्या है कि पहले तो खाला के घर पे भी तंदूरी होती थी, लेकिन जब से उन्होंने घर बनाया और सारा चीज़ें, और वहाँ पे एक तो गैस आ गई है, तो फिर वो खाला लोगों ने वो तंदूरी वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब कभी दिल करता है तो वो तंदूर से जाके वो रोटियां ले लेते हैं, जिससे हम लोग शहरों में करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी बाज़ बहुत सारे घरों में तंदूरियां मौजूद हैं। और मेरी भाभी जी उठी हैं सुबह सुबह, मैं क्योंकि मैंने उनको तंग करके रखा हुआ था, एक तो मैंने तंदूरी की रोटी खानी ही खानी है, और दूसरा मैंने तंदूरी पर रोटी लगाना ट्राई करना है, और तीसरा ये कि जो वो मुझे रेसिपी बता रही थी बहुत डिफरेंट तरीके से, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि किस तरह की हम लोग रोटियाँ लगाने वाले हैं। तो इस वजह से फिर मैंने बहुत फोर्स किया, तो उन्होंने तंदूरी का इंतज़ाम कर ही लिया है आखिर, और हम लोग उनके घर पे आ गए हैं सारी चीज़ें लेके। और जी मेरी मेरी एक आपी हैं, वो भी हमारे साथ आई हैं, वो यहाँ पे लगी हुई है जी तंदूरी में आग जलाने के लिए, वो तंदूरी में आग जला लेंगी। तो जी आपी जो है वो तंदूरी में आग जला रही हैं, तंदूरी में आग जला इसलिए पहले जला रही हैं ताकि तंदूरी अच्छे से गर्म हो जाए, और उसके बाद हम लोग जो है आई एम सो सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब है, क्योंकि घूमते रहें काफ़ी और चीज़ें उल्टी पुल्टी खाते रहें, तो काफ़ी तबीयत आप ही ने जो तंदूरी में आग जला दी, हम वेट करेंगे उसको गर्म होने का, और साथ में ही यहाँ पे आप ही जो है वो मेज़ा तैयार करेंगे। और मेज़ा किस चीज़ का तैयार करें, जो रोटियों के ऊपर हम लगाएँगे, बहुत ही डिफरेंट है, आपने पता नहीं ट्राई किया कि नहीं किया, मैंने कम से कम फर्स्ट टाइम देखा था और ट्राई भी फर्स्ट टाइम किया था, लेकिन बहुत मज़े का था। मैं आपको बताती चलूँ इसमें क्या है, ये छालिया है, हमने छालिया लेके उसको कुंडी में जो है वो पीस लिया था, पीसा इस तरह से, वो बिल्कुल हम स्मूथ पेस्ट नहीं बनाएंगे, उसको दर दर हम कूट लेंगे। और अगर आपके पास कुंडी नहीं है, अगर आपके पास चॉपर है, तो आप उसको चॉप करें, चॉप आपने इस तरह से करना है कि उसको बिल्कुल पेस्ट नहीं कर देना, आपने उसको दर दरा सा रखना है, इतना आपने इसको इतना चॉप करना है। तो उसको चॉप करने के बाद आपने निकाल लेना है, और उसमें हम डाल देंगे बेसन, और बेसन के साथ हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने इसमें ऐड किया है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, खुश्क धनिया हमने, और अनारदाना, इस तरह की चीज़ें ऐड की हैं। और मेरे बहुत सारे बहन भाई जो गांव से रिलेट करते हैं, या उन्होंने कभी ट्राई किया होगा बेसन की रोटी भी बनती है, तो उसमें भी इसी तरह की चीज़ें जाती हैं, लेकिन बेसन की रोटी में प्याज और हरी मिर्च और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें भी हाँ, इसमें भी हम लोगों ने ग्रीन चिली ऐड की थी कट करके, और धनिया भी, और उसमें प्याज जाता है, और यहाँ पे बेसन की रोटी में प्याज जाता है, और यहाँ पे छालिया की रोटी में प्याज की जगह छालिया चला जाता है। तो जी बस वो हम लोगों ने मेज़ा तैयार कर लिया, उसको बहुत गाढ़ा सा आपने रखना है ना, आप कि आप जब उसको रोटी पे लगा के उसको प्रॉपर जब हम बेलते हैं रोटी को, तो वो ये नहीं है कि वो पानी की तरह नीचे बहने शुरू हो जाए, ऐसे नहीं करेंगे, आपने बहुत ही उसको हार्ड रखना है, जिस तरह आप आटा हार्ड रखते हैं ना उसी तरह, बल्कि उससे भी ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ऊपर वाला, ताकि वो रोटी से बाहर ना आए और नीचे गिरे नहीं।
तो जी अब मेरी एक आंटी हैं जी, वो आ गई हैं हमें रोटियां लगाने के लिए देंगी, और साथ में उसके बाद मैं भी रोटी लगाना ट्राई करूंगी। और कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे, आपको नहीं ट्राई करना चाहिए जो चीज़ आपको नहीं आती। लेकिन ये कि एडवेंचर के तौर पर आप, लेकिन क्या है कि एडवेंचर के तौर पर आप कर सकते हैं। और सारे मुझे बार बार, उस सभी मुझे बार बार मना कर रहे थे कि नहीं करो नहीं करो, हाथ जल जाएगा हाथ जल जाएगा, नहीं हो सकता। लेकिन मुझे बस वो जब एक चीज़ का भूत सवार हो जाता है ना, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं, मुझे करना है और मुझे करके रहना है, जैसे भी वो चाहे हो या ना हो या काम ख़राब हो जाए। तो क्या था कि सारी रोटियां मैं ख़राब नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम करना है तो मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने आंटी को बुलाया था, वो रोटियां लगाएंगी। खाला की तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए नहीं, तो खाला लगा लेती हैं मेरी ना। तो वो जी अब यहाँ पे रोटियां बना रही हैं, आपने देखा कितनी खूबसूरती से और कितने आराम से उन्होंने हाथ पे, मैं तो उनको देखती रहेगी। मतलब एक तो होते ना आप आलू की रोटी बनाते हैं, तो वो उसके अंदर उसका सारा मेज़ा डाल के, आलू का सारा मिक्सर डाल के हम ऊपर रख के, तो पेड़ा वो बना लेते, तो वो और चीज़ है ना। आप देखें एक पेड़ा लिया और उसके ऊपर ही उन्होंने वो सारा जो पेस्ट है वो रखा छालिया का, और उसी के साथ ही उसको बड़ा किया। अच्छा तंदूरी में जो रोटी लगती है ना, वो सबसे पहले ये बात है कि वो पानी के साथ लगती है, आप उसमें खुश्का कभी ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे पेड़ा रखा तो है खुश्के में, लेकिन जैसे ही हम उसको आंटी उठा लेती थी ना, तो उसको पानी लगा के बड़ा करती थी। और मैं आ गई जी मेरी बारी, और मैंने सबसे पहला ही ब्लंडर मारा है कि मैंने उनके मना करते करते भी मैंने उसको सारा खुश्का लगा लिया। अच्छा मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं खुश्का नहीं लगाऊंगी तो रोटी बड़ी नहीं होगी, तो फिर उसके बाद मैंने पानी लगा के ट्राई तो किया, बड़ी होगी, और उसमें एक छेद भी हो गया जो कि आपको नज़र आ रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे रोटी लगाएं। अच्छा मैं हाथ पे ऐसे रख रही थी जैसे तवे पे हम डालते ना रोटी, उसी तरह से वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे कही थी नहीं हाथ में, आधे हाथ में पकड़ो रोटी, और इस तरह, और उसी चक्कर में करते करते मेरी सारी रोटी जो है वो फट गई थी, और मुझे ये दोबारा बनानी पड़ी। उसको ये देखे सारी रोटी फटी हुई, और मैंने रोटी को दोबारा बनाया, और रोटी को दोबारा बनाने के बाद जब मैंने इसको लगाया ना, तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। ये हुआ, ये रोटी गई तंदूरी में। उसके बाद मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई करने के बाद जाके फिर मेरी ये रोटी जो बाहर निकली ना, ये रोटी मैंने लगाई थी, फाइनली ये लग गई थी। तो जी ये रोटियां लग गई हैं सारी, और बहुत ही मज़े की हैं। आई होप सो कि आपको भी मुंह में पानी आ रहा होगा देखे, और आपकी रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा अगर किसी के पास तंदूरी है तो, क्योंकि तवे पे तो आप बना नहीं सकते, तवे पे उस तरह से बनेगी नहीं, उस तरह का टेस्ट नहीं आएगा। तो जी बस रोटियां सारी लग गई, उसके ऊपर हमने अच्छे से मक्खन लगा दिया। मक्खन भी घर का है जो कि रात को मैंने और भाभी ने बनाया था। अच्छा क्या होता है कि भाभी के पास, क्योंकि घर का दूध है तो वो बहुत ही गाढ़ा होता है, उसके ऊपर बलाई बहुत अच्छी आती है, तो हमने वो बलाई जो है वो रात को उतार ली थी। और भाभी भी इसी तरह करती हैं कि वो काफ़ी सारी ना इस हफ्ते की पूरी जमा कर लेती है, और बाद में उसका मक्खन निकाल लेती हैं, और मक्खन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर उसका वो घी बना के रख लेती। तो हम लोगों ने ये फ्रेश मक्खन रात को निकाला था जो कि बहुत मज़े का था, और बस वो मक्खन शक्कर लगा के हम लोग रोटियाँ लेके जाने लगे हैं जी घर। और जिनके घर हम लोग तंदूरी पे आए थे रोटियां लगाने के लिए, और उनके घर पिंजरा था, और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से मोर थे, और मैंने जी आपके लिए रिकॉर्ड किया। देखे कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत है, और देख के मुझे लगता था कि कारीगरी पे रश्क आ रहा था कि किस तरह से खूबसूरती से अल्लाह ताला ने हर चीज़ कायनात कितनी खूबसूरती से बनाई है। आप एक चीज़ देखते हैं तो दूसरी चीज़ आप वैसे भूल जाते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह इसके कलर देखें कितने प्यारे हैं। तो चलो जी अब घर चलते हैं, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं खाना खाने का, और सब वेट कर रहे हैं जी लैला के हाथ की रोटियां आएंगी तंदूरी पे लगी, और वो हम खाएंगे, जबकि उनको पता चलेगा कि मैंने एक भी रोटी नहीं लगाई, सारी रोटियां मेरी फ्लॉप हो गई हैं। तो जी चले बस चलते हैं। ये हम जो मैं गई थी ना तंदूरी पे, ये आपको पता है ये सारी गली मैंने आपको विज़िट करवाई भी थी, तो उसके बिल्कुल सामने ना रोड के ऊपर ही उनका भी घर है अपोजिट साइड पर ना, तो वहाँ से हम लोग आ गए थे। खाना शाना खा के फ्री होके हम लोगों ने प्लान किया क्यों ना हम लोग चलते हैं जी खेतों में। यहाँ पे मैं हमजा और भाभी बाइक पे ही आ गए खेतों पे, क्योंकि भाभी मुझे कह रही थी कि वहाँ पे चलते हैं क्योंकि आपकी फैमिली है तो वो सब देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे कमेंट भी किए थे कि आप अपने गाँव की बहुत सारी और चीज़ें भी हमारे साथ शेयर करें, हम देखना चाह रहे हैं। तो फिर उसी के सिलसिले में मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको खेतों में ले चलूँ, मैं खेत दिखाती हूँ आपको खाला लोगों के। तो जी हम पहुँच चुके हैं, हम लोग यहाँ वहाँ पे जी आ गए हैं, और यहाँ पे कज़न मेरे अपना काम कर रहे थे, और यहाँ पे ना वो क्योंकि भैंसों का दूध निकालने का टाइम हो गया था, उनको पानी शानी पिलाने कर रहे थे इंतज़ाम। और जी यहाँ पे उसी सिलसिले में ट्यूबर चलाया था, और हमारी देख के ईद हो गई, और मैं तो जी कमली हो गई पानी दे के।
वहाँ पे सारी चीज़ें मुझे भूल गई, मुझे कोई पता नहीं मैं किस सिलसिले में यहाँ पे आई थी, तो बस मैं ट्यूमर को चिपक गई वहाँ पे। एक के बाद एक से तीन हमज़ा मेरा फोटो शूट करने पे लगा हुआ था, और हमज़ा जो है वो तंग आ चुका था, प्लीज़ जो काम करने आई है वो कर लो, जो लोग शूट करने वो कर लो, छोड़ दो ट्यूबवेल की जाने तो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे आपके लिए ये भी रिकॉर्ड करना था। तो बस हमज़ा को मैंने पकड़े रखा है कि बस सारी चीज़ें हमने दिखानी है अपनी यूट्यूब फैमिली को। तो जी ये मैंने आपके लिए ये व्यू जो है ये भी बनाया है, देखें इसे सारा। यहाँ पे पहले क्या था कि सारा मुर्गी खाना, तो उसके सिलसिले में ना ये सारे कमरे यहाँ पे बने हुए हैं। अदरवाइज उससे पहले यहाँ पे सारी प्लेन जगह थी, यहाँ पे कुछ वैसा नहीं था। और तो फिर उसको वो ख़त्म कर दिया मुर्गी खाने को, और उसको भैंसों का तबेला बना दिया, तो यहाँ पे सारे जानवर वगैरह यहाँ पे ला कर रख दिए। पहले तो वो जो खालों के पास हवेली है ना घर के, भाभी के घर के साथ जो मैंने आपको दिखाई थी, पहले सारी चीज़ें वहीं पर होती थी, लेकिन वो उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो यहीं पर सारे देखभाल करते हैं यहीं पर सारा ना। और जी ये सारा मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से है कुछ। और खालू जो है वो मेरे यहीं पे थे, खालू ने आवाज़ दी चले मैं आपको आगे वाले खेत दिखाता हूँ। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, एक तो वहाँ पे आगे गुड़ बन रहा है, वो भी खाला लोगों का ही बन रहा है, उन्होंने ही बेलना लगाया हुआ है। तो गुड़ की जो वीडियोस है ना वो मैं आपको नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज हम जो आए थे हम लोग इसी वाली साइड पर आए थे सारा बनाने के लिए। तो गुड़ वाली जो वीडियो ना वो स्पेशली मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि गुड़ किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए वो प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगी सारा। तो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी इसके फौरन बाद वो वाली वीडियो आ जाएगी। तो आपने मेरे चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरी वो वीडियो आए वो आपको फौरन से पता चल जाए। और आप देखिएगा कि किस तरह से गुड़ बनाया जाता है। तो जी ये हम लोग वहाँ से निकल के, वहाँ से ट्यूबवेल के पास से निकल के आगे वाली साइड पे हाला लोगों के खेत है वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पालक लगी हुई थी और प्याज लगे हुए थे। तो हालू कह रहे थे कि वो तोड़ के ले जाओ घर पे, और हमारा वैसे भी क्योंकि मौसम में यहाँ पे अच्छा हो रहा था, बाबा बारिश भी हुई थी कल, तो हमने सोचा कि उन्हें पकौड़े जाके बनाते हैं और साथ में चाय के साथ इंजॉय करेंगे, क्योंकि भाभी जो है चाय शायद तो उन्हें डेली पीनी होती है। तो वो कह रही थी कि क्यों ना रात को स्नैक्स में हम पकौड़े बनाए, वो भी फ्रेश पालक और फ्रेश प्याज के। तो वो दिखाते हैं ये सारी जो लगी हुई, ये सारी की सारी गंदम है, और हम लोग आ गए जी प्याज तोड़ने के लिए। और मैं उसकी नाकाम कोशिश करी, मुझे प्याज तोड़ने नहीं आते थे, वो उधर में अंदर ही रह जाते थे, बाहर वाला हिस्सा आ जाता तो बाहर ये पूरी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुए, ये कच्ची प्याज है अभी ना ग्रीन वाली। तो वो जी मैंने अब निकाल लिया, अब कतरे बेहतर मेरे से निकल आए थे ये सारे, हम लोग प्याज तोड़ी थे, हम जाके हरी प्याज के पकोड़े बनाएंगे जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। जी पालक मैंने निकाली है, जी ये अभी पालक थोड़ी मैंने निकाली थी, और पालक तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था वो चीज़ें, वो क्योंकि पालक सारी अंदर अंदर वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, मुझे डर लग रहा था ना कोई चीज़ ना निकल आए, तो उसी वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी तोड़ी। उसके बाद खालू आ गए थे, खालू ने कहा कि जाओ वो भैंसों के दूध निकाले वहाँ पे आप जाओ वो निकालो वो वीडियो बना लो, ताकि मैं आपके लिए पालक जो है वो तोड़ के वो मैं खुद ले आता हूँ। तो जी मैं आ गई यहाँ पे, और दूध हम लोग निकाल रहे हैं गाय का, ये मेरे लाइफ में पहली दफ़ा किया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप सो कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने इन्जॉय भी की होगी। आई होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पर फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज़।